वास्तु का हमारे जीवन में बहुत ही खास महत्व है। हमारे घर में खुशियाँ और वास्तु के हिसाब से धन लाभ कमाने के लिए सबसे पहले नहाकर पूजा अर्चना करें, साथ ही हल्दी के पानी से घर में छिड़काव करें। इसके बाद आप नमक के पानी से भी घर में छिड़काव कर सकते हैं एवं गंगा जल से छिड़काव करना अति शुभ माना गया है। जानिए ज्योतिष आचार्य पंडित पंकज पाठक से वास्तु के अनुसार क्या बताया गया है। संपन्न होने के लिए या धन संबंधित समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए वास्तु के अनुसार हम क्या उपाय करें स्नान करने के तत्काल बाद, जिससे नेगेटिव ऊर्जा समाप्त हो घर में और हमारे जीवन में पॉजिटिव ऊर्जा हमको प्राप्त हो, धन लाभ हो हमको। इसके लिए जब व्यक्ति स्नान करता है नित्य प्रति, तो भगवान का पूजन करता है, अपने इष्ट देवता का ध्यान करता है, कोई हनुमान चालीसा का पाठ करता है, कोई अन्य अन्य उपायों को करता है, तो व्यक्ति को स्नान करने के बाद अपने इष्ट देवता का, अपने आराध्य देवता का निश्चित ही प्रतिदिन पूजन करना चाहिए। दीप लगाएं, धूप इत्यादि लगाएं, ये सामान्य जो पूजन का क्रम है वो करते हुए व्यक्ति को प्रतिदिन सूर्य को अर्घ देना चाहिए। सूर्य को अर्घ देने से मानसिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है और आत्मविश्वास हमारा बढ़ता है। दूसरा, घर में गंगा जल, नर्मदा जल, पवित्र नदियों का जल है वो छिड़कना चाहिए, जिससे सकारात्मक ऊर्जा की हमको प्राप्ति होती है। मुख्य द्वार पर थोड़ा सा गंगा जल में हल्दी इत्यादि मिला करके मुख्य द्वार पर छिड़कना चाहिए। मुख्य द्वार के दोनों ओर स्वास्तिक का चिन्ह बनाना चाहिए, रंगोली से बनाएं और वहां दीप प्रज्वलित करना चाहिए। ऐसे में व्यक्ति को धन लाभ होता है, आर्थिक लाभ उसको होता है। निगेटिव ऊर्जा दूर करने के लिए यदि बार बार आपको कई प्रकार के नकारात्मक विचार आ रहे हैं, तो सभी प्रकार के नेगेटिव ऊर्जा को दूर करने के लिए हमको घर के बाहर नमक का जल छिड़कना चाहिए, गोबर गोमूत्र इत्यादि का छिड़काव करना चाहिए, जिससे घर में जो है वह सकारात्मक ऊर्जा आती है और नकारात्मक ऊर्जा समाप्त।